एंड अभय। तो गाइस स्वागत है सभी का फिर से सर्वाइवल सीरीज में। और लास्ट टाइम डेजर्ट टेंपल के पास जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि मैंने पीछे आपको दिखा दिया। भाई साहब ये देखो ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ा है, इसको मैं भगाएगा। ये सो आज हम जाने वाले हैं उस डेजर्ट टेंपल के पास में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो बेसिक टूल्स होते हैं वो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम मरे थे ना तब हमारे सारे आइटम्स जा चुके थे। एंड उस साइड को मुझे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। सो ये देखो ये जो साइड में आ रहे कोऑर्डिनेट ये वो कॉल्स हैं। एंड इस पर मुझे अभी जाना होगा, बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं है आई थिंक, बट जो लास्ट वाला है ना वो 1000 पे है। सो जल्दी से पेड़ तोड़ते हैं, हमारा एक घर भी नहीं है और आयरन आर्मर तक ये जो हार्ड मोड है वो रहने वाला है। सो हमें जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करना पड़ेगा वरना हम ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। ओके गाइस जल्दी से इसका वुड प्लैंक्स बनाते हैं। देन ये एंड यहाँ पर बेसिक टूल्स लाइक ये एंड ये। ओके सो इस चीज़ को तोड़ते हैं जल्दी और यहाँ से चलते हैं। भाई साहब खाने की कमी हो रही है, पांडा तुम्हें तो खाने की कमी नहीं है। भाई साहब शीप है यहाँ पे, शीप को मारो। चिकन रुक जा, साला अभी भी स्पीड नहीं मिला यार। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोन है, स्टोन ले लेते हैं। यहाँ ये रखा इसका ये स्टिक थोड़ा एंड ये बना लो और 4-5 ले लेते हैं। इतने ठीक है, ये बनाया। ओके इतने टूल्स काफ़ी है, इसको लेबल कर दो एकदम। थोड़े खाने की ज़रूरत है अभी वरना भाई कुछ नहीं होगा हमारा। ब्लैक शीप मरना होगा तुझे, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, सामने मेलन्स है। ओए ओ भाई थोड़ा बहुत तो मेलन मिल चुका है, खाओ खाओ। सो जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो एकदम सही है, 71। अब हमें जाना है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट कहता ओके -1312। भाई साहब हमारा पूरा हंगर बार जा चुका है, अब हम जल्दी से नहीं चल सकते। एंड अगर गलती से भी हम मर गए ना सो हमारे लग जाएंगे, बिकॉज इतना ट्रैवल किया है मैंने, बहुत मेहनत लगी है। ओ भाई ये क्या है रे, अबे रवि ने साला, हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम मर जाएंगे। ओ भाई खाली 2 हंगर बार बचा है, हार्ड मोड है भाई, मैं मर जाऊंगा लिटरली। साला अभी ऐसे बायोम में फंसा हूँ ना मैं कि कुछ कर भी नहीं सकता हूँ मैं अभी। ओ भाई हंगर बार गया, हम मर सकते हैं, हम लिटरली मर सकते हैं अभी। और अलग से रात हो रही है यार। अबे पिग दिख गया, पिग, मेरे को बचा ले, रुक जा। अरे भाई, ओ भाई बच गए, तू भी मार। ओ भाई साहब, भाई अगर ये नहीं मिलते अभी तो मैं मर गया था। अबे मरना मत। मार दिया था इसने मुझे भाई,
मरना जल्दी मर, मैं मरूंगा भाई अभी। मेरे भाई मेरे को बचा ले भाई, मेरे बचा ले, मेरे भाई मुझे बचा ले मेरे भाई। ओ माय गॉड स्केलेटन, स्केलेटन सॉरी मैं कभी नहीं आऊंगा तेरे पास। स्केलेटन मर जा। ओके ओह भाई साहब यहाँ पर मेरा सामान है। ओ ये भाई ये हार्ड मोड है यार, ये कैसे डिस्पॉन नहीं हुआ भाई? ये डिस्पॉन हो जाना चाहिए था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यार तुम, हार्ड मोड है ये, कैसे डिस्पॉन नहीं हुआ ये? वेट अ सेकंड, खाना खाओ भाई। खाने की भाई कमी हो रही थी यार, अभी मरते मरते बचाऊ मैं। भाई साहब मुझे अपने सामान के साथ डेजर्ट टेंपल भी मिल चुका है, बट गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इसे शांति से लूटूं। कुछ तो गलत सीन होने वाला है, देखो अब आगे। भाई इन्हें क्या चर्बी चढ़ी है? नहीं नहीं तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो भाई? नहीं नहीं बताओ आज भाई। ओके मर गए नुबड़े साले। ओके भाई साहब अंदर चलते हैं और अंदर देख लेते हैं भाई कोई मॉब्स वगैरह तो नहीं है। अबे क्रीपर है यार, रुको गई एक सेकेंड। अबे नहीं नहीं तू आ जा पहले। नहीं 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 तुझे तो मारूंगा मैं, आ जा। नहीं नहीं आई जा, हाँ मर। मैं क्या सोच रहा हूँ, वो जो सामने है ना वहाँ से अंदर चलते हैं, वहाँ से मुझे सब लोग दिख जाएंगे जो भी अंदर वेट कर रही है मेरा। ओके हम ना आराम से चलते हैं भाई, ये फटने लग गए ना अगर तो गंदी बात लगने वाली है। एकदम आराम से चलो भाई, जो भी हो जाए सामने आ जाओ। अबे अरे वेट भाई, ये स्केलेटन भाई स्वॉर्ड आर्मर लेके क्या कर रहा है? अबे अरे भाई तू मुझे मार ही देगा आज। अबे आर्मर के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई ये लोग ना शायद यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं। ओके स्वॉर्ड वाला मर गया, यहाँ पर दो और स्केलेटन है। वेट 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 इसको मार दूंगा मैं, इसको मार दूंगा। अबे ओके रुक 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 मर जा। मेरा हार्ट भाई, मेरा हार्ट बहुत कम है, मेरा हार्ट बहुत कम है। रुक तेरी भैंस की, तेरे को तो मैं मारूंगा, आ जा। ओ भाई साहब मर ही गया बंदा। ओ भाई अरे आर्मर मिल गया, आर्मर उठा लो, आर्मर उठा लो, आर्मर उठा लो। भाई साहब हम पूरे आयरन में आ चुके हैं एंड इसको बहुत चर्बी चढ़ी है, मर। ओके सो गाइस अंदर चलते हैं एंड भाई साहब मैं अंदर डायरेक्ट कूदने नहीं वाला, मैं साइड से आराम से जाऊंगा। ओके देखते हैं पहली चेस्ट में क्या है। ओके गोल्ड है, सैडल है, ये सबको तो छोड़ो भाई, सब तत्ती सामान है भाई साहब। इस चेस्ट में डाल दो। ओके ये रहने दो, ये भी डाल दो, एक का क्या ही करूँगा। ये ले लो, हाँ ये ले लो बोन्स, बोन मिल के काम आएंगे। इसमें क्या है, आयरन। ओके आई लाइक इट एंड अरे ये तोड़ो भाई सबसे पहले। ओके बोन्स ले लो, वो छोड़ो रुको। ओके एमरल्ड नाइस एंड बोन्स ले लो, उस चेस्ट में भी बोन्स थे, ले लो ले लो ले लो ले लो, सब ले लो भाई। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचाऊ यार, एक लाइक ठोक दो भाई साहब। फिर यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि रात हो चुकी है एंड यहाँ पर हम रुक नहीं सकते दिन करने के लिए। ओके सो हम यहाँ पर एक विलेज में आ चुके हैं एंड इससे पहले जो भी हुआ ये विलेज के आने से पहले हुआ। और भाई साहब फिलहाल इस घर से निकलते हैं एंड जो वी एंड कह रहे थे देख रहे हो ना, ये इसी विलेज के चुराए हुए हैं एंड आयरन गोलेम हेलो। इस आयरन गोलेम को भी मैं मारूंगा, याद है मुझे 3 बार मारा था मुझे पिछले वीडियो में। इसको भाई साहब तड़पा तड़पा के मारूंगा। अबे मेरे में आग लग रही है भाई साहब, मेरी आग बुझाओ। मर रहा है, अबे कैसे उछाला भाई? नहीं नहीं तूने क्या सोच के क्या उछाला मुझे? हाँ नहीं मार सकता फिर भी तू मुझे, तेरे आयरन से तो नहीं पर मैंने किसी तो आयरन से भाई अपना आर्मर बनाया है। भाई साहब थोड़ा तो लालच हर एक में होता है, और अगर आप भी लालची हो ना तो वीडियो को लाइक करो। तो भाई साहब 1 घंटा बीत चुका है एंड इतनी देर से मैं ये जो ऊपर देख रहे हो ना वो घर बना रहा था एंड इस घर का एक फीचर भी है जो मैं आपको अभी ऊपर ले जाके बताने वाला हूँ।
और अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ऊपर क्यों बनाया, नीचे भी तो मैं बना सकता था, है ना। द रीज़न इस वाई मैंने ऊपर बनाया बिकॉज जो प्लेन एरिया होते हैं ना वो मुझे मिलते ही नहीं है। मतलब जितना टाइम घर बनाने में लगा ना उससे ज़्यादा टाइम तो भाई प्लेन एरिया ढूंढने में लगता है। अब बात करते हैं इस घर के फीचर का। तो यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ खोदने का, पर यहाँ पर नहीं खुद रहा है, यहाँ तक कि ये स्कैफोल्डिंग भी नहीं खुदने वाला है। एंड अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ मेन एरिया में। ओके गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर एंड ये है मेरा घर। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रेस पिन टू एंटर, पर ये सरासर झूठ है। ये तो मैंने ऐसे ही रखा है बुमराह करने के लिए। बट ये देखो यहाँ पर ना एक कमांड है जिससे हम अंदर जा सकते हैं, वो सिर्फ मुझे ही पता है। एंड ये जो जगह है ये हमारा फार्म एरिया बनेगा। एंड और भी चीज़ मुझे बनानी है, यहाँ इसको भी नहीं खोद सकते जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक कि यहाँ पर ब्लॉक भी नहीं लगेगा। ओके, सो अब टाइम है अंदर जाने का। सो मैं कमांड डालता हूँ ताकि ये दरवाज़ा खुल जाए। ओके, सो हम अंदर आ चुके हैं, दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है। एंड ये देखो ऐसा है हमारा घर, यहाँ पर ये सिस्टम अंदर यहाँ पर बना है। एंड ये देखो यहाँ से बंद चालू होगा, एक वहाँ पर फ्लावर पॉट है एंड यहाँ पर डाइनिंग टेबल एंड ये एक टीवी है। एंड यहाँ जो है ना वो ब्रिक्स टाइप वाला, सो वहाँ पर है मेरा बेडरूम। ये देखो ये सामने वाला आप देख सकते हो, लैंटर्न वगैरह भी लगाए हैं, एकदम कूल है। एंड ये है मेरा बेडरूम, ये देखो यहाँ पर दो चेस्ट है ऐसे ही एंड एक क्राफ्टिंग टेबल भी था। सो घर कैसा लगा कमेंट करके बता देना मुझे, एंड इसमें क्या क्या मुझे एडवांस करना चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। ओके, सो अब ना थोड़ा एडवेंचर टाइप पे चलते हैं एंड देखते हैं हमारे घर के पास क्या क्या है। ओके ओके ओके, सो अब देखते हैं हमारे घर के पास क्या क्या है, मे बी एक विलेज मिल जाए। एंड ये देखो हमारा कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से घर। एंड नीचे मैंने ना मतलब लैंटर्न वगैरह लगाए हैं बिकॉज यहाँ पर थोड़ा शैडो टाइप हो जाता था एंड जॉम्बी स्पॉन होते थे। शैडो टाइप क्या बोल रहा हूँ, डार्क हो जाता था। एंड ये देखो इतना सारा वीट है मेरे पास, वो जो विलेज था ना पहले जहाँ पे हम रेजर टेम्पल के बाद गए थे, सो वहाँ पर से मुझे मिला था। एंड एक सेकेंड, फिर से घर पे जाना होगा। भाई साहब यहाँ पर मैं फिर से आया क्योंकि मुझे यहाँ पर दिन करना है, सो जाते हैं एंड दिन करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड हमारा दिन हो चुका है, उठ के हम यहाँ पे जा रहे हैं। जल्दी से लीवर को दबाओ एंड निकलते हैं यहाँ से। बंद हो जा बे, अबे बंद हो जा, अरे अरे बंद हो जाना, अरे ओके। सो भाई सब देखते हैं हमारे घर के पास क्या क्या है। एंड वेट, वो विलेज है, यस वो विलेज है। भाई साहब मैं उस साइड से आया था एंड यहाँ पर विलेज है, भी मैंने देखा कैसे नहीं है। चलो टेंशन नहीं है, देखा नहीं है तो। और हाँ गाइस, मैंने आपको एक तो भाई बताया ही नहीं, एक इन्फॉर्मेशन भाई साहब, यहाँ पर आसपास में तो नहीं, थोड़ा भी नहीं, बहुत दूर एक बैंक टाइप बना है एंड वहाँ पर भाई हमें बहुत ज़्यादा माल मिलने वाला है, पर उसका जो लोकेशन है ना वो हमें नहीं पता। एंड वो लोकेशन भाई इनसे मैं कहीं ना कहीं से तो निकलवाता हूँ। एंड या ये एक विलेज है, सो यहीं पे विलेजर्स होंगे एंड मैं इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ बैंक से लोकेशन के रिलेटेड। हेलो विलेजर, हाउ आर यू। सो भाई साहब मैं इससे पूछता हूँ जल्दी उस बैंक का लोकेशन के बारे में कुछ, तो देखता हूँ क्या बोलता है ये। ओके, सो इस बंदे से मेरी बात हो चुकी है एंड इसने तो भाई साहब बोला कि मेरे पास नहीं है लोकेशन, निकल यहाँ से। सो निकल रहा हूँ, याद रखूँगा तेरे को मैं। भाई साहब कैसे कैसे बंदे हैं यार इस विलेज में, भाई कोई एक अच्छा भी नहीं है। ओके, एक और बंदा मिला, इससे पूछते हैं एंड देखते हैं ये क्या बोलता है। तो भाई मेरे इस बंदे से मेरी बात हो चुकी है एंड इसने मुझे बोला कि तुझे मेरा एक काम करना होगा जिसके बदले तुझे उस लोकेशन के कॉल्स मिलने वाले हैं। सो इसका जो काम है ना, इसने बोला ना कि एक मेंडिंग वाला विलेजर होगा, मतलब एक मेंडिंग वाला तो नहीं, शायद हाँ मेंडिंग वाला होगा। सो उस बंदे को ना इसके पास लाना है सेफली, और ये उसके बदले में हमें वो मेंडिंग का बुक देने वाला है।
सो ये काम तो बहुत इजी है भाई, हम विलेजर को भाई 1 मिनट में बोट में लेके आ सकते हैं। एंड लेड भी पड़ा है मेरे पास, तो भाई बहुत इजी है। थैंक यू विलेजर, बट मेरे को मेरा वो चाहिए कोऑर्डिनेट, अगर नहीं दिया ना ये आयरन गोलम भी तेरे को नहीं बचा पाएगा। तो इसके हिसाब से जहाँ पर वो बंदा है उस लोकेशन पे हम पहुँचने वाले हैं। वेट भाई साहब, कुछ तो है वहाँ पर। ओके है कुछ तो, भाई जल्दी से चलते हैं। वहाँ पर कुछ तो गद्दा टाइप मेरे को दिखा, गद्दा टाइप नहीं बक्सा टाइप, वो होता है ना एक छोटा सा स्क्वायर टाइप बक्सा, हाँ वैसा टाइप मुझे कुछ तो वहाँ पर दिखा है। ओके वो देखो है वहाँ पर, एंड दिया हाँ वहाँ पर येल्लो बेल टाइप भी कुछ है। ओके शायद ये उसी बंदे का है जगह। वेट ओके यहाँ पर लेक्टन लगा हुआ है। ओके अंदर विलेजर भी है। ओके यही है वो बंदा, यही है वो बंदा। वेट एंड उस बंदे ने मुझे बोला था कि उसका जो नेम टैग होगा वो जॉन होगा, मतलब इसका नाम जॉन है। सो हम ना ऊपर भाई बैठते हैं, देखते हैं। वेट कुछ तो है, कुछ तो नेम टैग दिखा इसका। भाई साहब यही वो बंदा है, जॉन नेम टैग है और मेंडिंग दे रहा है। यस यही वो कंफर्म है, जॉन भी इसका नेम टैग है। एंड ये देखो मेंडिंग 1 एमरल्ड में बेच रहा है। अब मेरा एक इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको सेफली लेके जाना। सो सबसे पहले तो ये खोदते हैं एंड इसको बोट में बिठाकर लीश करते हैं बोट को। ओके गाइस इस बंदे को मैं लेके आ चुका हूँ। व्हाट द हेल गाइस, मुझे क्या लग रहा है ना ये इस विलेज में आके वो वाला बन चुका है। एंड वेट यहाँ पर लाइब्रेरियन है, एंड मैं क्या करता हूँ पता है, एक्सचेंज कर देता हूँ। वो बंदा भी थोड़ी ना इस विलेजर के अंदर घुस के देखने वाला है कि उसका नेम टैग है कि नहीं, उसमें मेंडिंग नहीं बेच रहा है कि नहीं। उस बंदे को मतलब है तो सिर्फ उस बंदे को मारने से, वो थोड़ी ना चेक करेगा। सो ये बोट तोड़ते हैं, इसको मार देते हैं यही का यही, एंड एक्सचेंज कर देते हैं। तो गाइस फिलहाल उस बंदे का इसने कब्र बना दी, एंड उसको क्या पता भाई वो एक्सचेंज किया हुआ है, वो असली नहीं है। तो भाई साहब हमने अपना काम कर दिया है, चाहे वो नकली हो या असली, इससे हम मांगते हैं वो बुक। तो भाई साहब जैसे कि तुम लोग मेरे इन्वेंट्री में देख रहे हो वो बुक, एंड इसने एक्स्ट्रा 10 डायमंड दिए हैं। खैर उसकी ज़रूरत नहीं होने वाली, और इसमें हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं बाय विलोर। विलोर इस बंदे का नाम है, 9 28 72 88 30। एंड यू विल गेट अ माइंड शाफ्ट एंड सर्च फॉर अ रूम, मतलब एक माइंड शाफ्ट मिलने वाली है, उधर रूम में होगा। सो थैंक यू विलेजर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसके साथ तो भाई बहुत बड़ा स्कैम हो गया। एंड ये देखो यहाँ पर लिखे है बुक्स में, इसका नाम विलोर है भाई, कितना अजीब नाम है। खैर नाम कैसा भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है माल से। सो यस हमें मिल चुके हैं कॉल्स, निकलते हैं वहाँ के लिए। हम पास में ही है, बस थोड़ा सा दूर बाकी है अभी, एंड हम पहुंच जाएंगे। या इधर क्या है? ओके पानी है खड्डे में। भाई साहब पता नहीं है माइनशाफ्ट कहाँ है, यही कोऑर्डिनेट है एंड मुझे अब तक नहीं मिल रही। ओके लेफ्ट साइड में कुछ तो खड्डा है, एंड वेट ओके दिस इज़ द माइनशाफ्ट। एंड लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी ही टाइप की मुझे माइनशाफ्ट मिली है, एंड इस साइड को कुछ तो होगा। छोड़ो ये सब, ढूंढते हैं वो रूम। भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉबवेब नहीं लग रहे। वेट इस साइड को कुछ नहीं है, इस साइड को कुछ नहीं है, ये देखो नॉर्मली 2-3 है, एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। वेट अंदर चल के देख लेते हैं, क्या पता कॉबवेब के पीछे कुछ तो छुपाया हो। एंड या मेरे को पता ही था यहीं पे है, देखते हैं क्या है। ओके सो अंदर चलते हैं। ओके चेस्ट है, चेस्ट में क्या है? ओ भाई 4 स्टैक डायमंड, 3 स्टैक आयरन, 5 स्टैक एमरल्ड एंड 3 स्टैक गोल्ड। भाई ये सब कचरा अंदर डालो, जल्दी से लूट मारो। ये क्या सीन है भाई, अलार्म बज रहा है यार, देखते बाहर कहां से बज रहा है। यहाँ पर ज्यादा ही हो रही है भाई साहब, ये तोड़ो भाई, एक सेकंड जल्दी लूट मारना होगा, निकलना है यहाँ से जल्दी से। थोड़ा और ले लो, और अरे वेट 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 वेट, ये 64 ले लो। एंड यहाँ पे 2 स्टैक ये गोल्ड भी ले लेते हैं भाई, जल्दी करना है यार, जल्दी करो।
तो गाइस पूरी लूटपाट सक्सेसफुली हो चुकी है एंड मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ। तो जल्दी ऊपर चल के मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ, जल्दी से भाई वो कमांड लिखते हैं एंड अंदर चलते हैं यार। तो भाई हमारा दरवाज़ा खुल चुका है, अंदर चलते हैं, उसको बंद करो एंड हमारे रूम में चल के ना ये सारे सामान को स्टोर कर देते हैं। सो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही धांसू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।